ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, हजारों हजारों करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर चल रहा है, पर ये वर्कर को पार्टनर बोलकर उनके साथ धोखा कर रहे हैं। ना उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ना ही कोऑर्डिनेटर है हमारा, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा टीलर है कौन। हम गिग वर्कर के लिए कहीं पर भी कोई प्रावधान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। हमने तो बिरादरी के बाहर कर रखा है, कोई पूछता नहीं है। सब लोग इतना अभद्र भाषा हम लोगों के साथ यूज करते हैं। नमस्कार, न्यूज क्लिक का स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद, और अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहाँ देश भर से जो गिग वर्कर हैं और इनके यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन्होंने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जिसके तहत ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे हम पिछले दिनों देखा है, जिस तरह गिग वर्कर्स अलग अलग जगह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और कुछ जगहों पर इनको जीत मिली। जैसे तेलंगाना सरकार ने इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट बजट से दिया है, और उसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने पहली एक ऐसी सरकार बनी है जिन्होंने गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कानून लाया है। ये इनकी एक पहली जीत है, लेकिन इस जीत से लोग कुछ नहीं कह रहे। वो पहली जीत तो है, लेकिन उसमें भी अभी कई सुधार होने बाकी है। उस कानून को और पुख्ता करना जरूरी है कर्मचारियों के पक्ष में। अब समझने की जरूरत है, गिग वर्कर है कौन? गिग वर्कर वो हैं जो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओला, उबर से लेकर डिलीवरी पार्टनर से लेकर यूसी में जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प तक के काम करने वाले लोग हैं, इनको गिग वर्कर कहा जाता है। लेकिन ये गिग वर्कर के तौर पर इनको गिग वर्कर भी नहीं माने जाते, कंपनी इनको अपना सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस पार्टनर कहती है। इन सारी मांगों को लेकर जिनको अधिकार नहीं है, कोई भी इनके लिए कोई भी लिखित कानूनी अधिकार इनको किसी सरकार ने या कंपनियां नहीं मिलती, इनको लेकर इनका संघर्ष लंबे समय से जारी है। इसी संघर्ष को लेकर इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे एक समन्वय समिति बनाने की कोशिश करी है, जिसके तहत जिस तरह से राजस्थान में एक कानून बना है और देशव्यापी एक कानून बने और इनके हितों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बने जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता हो सके, मालिक हो, मैनेजमेंट और प्रशासन के लोग शामिल हो, और इनके जो दावे हैं इनका निपटारा हो, और इनके जो समझौते होते हैं उनको समझौता हो सके कंपनी मालिकों से, और इनके हक में बातचीत हो, एक तरफा कार्रवाई जो इन पे होती है। सबसे बड़ी जो इनको काम से बेदखली का तरीका है गिग इकोनॉमी में, वो है इनकी आईडियां ब्लॉक कर देना। इसी आईडियों के सारे लोग आईडी के सहारे ही ये लोग काम करते हैं, आईडी लॉगिन करके ही काम करते हैं। लेकिन जो कंपनियां हैं कोई इनको बिना कारण बताए भी कई बार इनकी आइडिया ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इनका काम नहीं कर पाते और ये एक तरीके से बेरोजगार हो जाते हैं, एक तरीके से इसको छटनी समझ सकते हैं। तो इसी मसले को लेके एक सांकेतिक प्रदर्शन संसद भवन से थोड़ी दूर जंतर मंतर पे किया गया था। यहाँ मौजूद यूनियन नेताओं और आम गिग वर्कर्स से हमने बात करके समझने की कोशिश करी है उनकी क्या समस्या है और आगे उनका रास्ता क्या होगा। आज यहाँ जो लोग आए हैं वो सारे वही मजदूर हैं जो इनविजिबल हैं, आज उनकी पहचान नहीं है। आज वो यहाँ पर आए हैं कि पूरे देश में जो 15 मिलियन गिग वर्कर हैं लगभग, अगर इनका सर्वे करवाए जाए तो और ये बड़े नंबर में होंगे, परंतु इन तमाम लोगों का सर्वे हो, इन तमाम लोगों को कामगार का दर्जा मिले, सीधा सीधा इनको सोशल प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ये पार्टनर नहीं है, ये कंपनी के वर्कर हैं, मजदूर हैं और ये कमाते हैं, और अगर ये पार्टनर हैं तो कंपनी के लाभ में, बेनिफिट में ये इनकी हिस्सेदारी नहीं है। तो दोनों ही तरफ से सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा हिस्सा आया है, इस हिस्से के लिए किस प्रकार से कानून बनाया जाए। राजस्थान की सरकार ने, राज्य सरकार ने केंद्र राज्य में कानून बनाया है, केंद्र की सरकार इसके ऊपर इनिशिएटिव लें और एक सेंट्रल कानून पारित करे ताकि इन लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके। सबसे पहले तो जो चार्ज लेते हैं शुरू में 30-32 हज़ार का जो भी चार्ज लेते हैं वो उन महिलाओं के पास नहीं होता देने के लिए। वो जो चार्ज लिया जाता है उसमें जो किट में सामान दिया जाता है वो भी कोई खास नहीं है, मतलब जितना पैसा उनसे लिया जा रहा है किट में उतना सामान भी नहीं होता। और जो इनकी मेन प्रॉब्लम है कि उनको जो हब से भी काफ़ी दूर, अगर वो हब से काफ़ी दूर उनको अगर बुकिंग मिल जाती है, अगर वो अपनी तरफ से कैंसिल कर देते हैं तो उसमें भी उनको एक ये चीज़ दी जाती है कि इन्होंने बुकिंग कैंसिल की है, तो इसकी भी उनकी एक वो बनी होती है कि आपने इतनी बुकिंग कैंसिल की है इसलिए आपकी आईडी ब्लॉक कर दी गई है। गिग वर्कर इकोनॉमी जो है नई उभर के आई है, जिसको गिग वर्कर बोलते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर भी बोलते हैं, और सबसे जाना पहचाना वर्ड तो इसके अंदर पार्टनर अभी बना हुआ है। बहुत ये आपत्तिजनक स्थिति है क्योंकि ये नया इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जैसे नया इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है वैसे पुराने कानून जो श्रम कानून है उनसे बाहर रखवाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई है सब मजदूरों के खिलाफ, और उनको ये श्रम कानून से दायरे के बाहर रखने के लिए ही ये गिग वर्कर और पार्टनर और प्लेटफॉर्म वर्कर जैसा शब्द प्रयोग यहाँ पे आ रहा है। तो इनके खस्ता हालत है, सुनने वाला इनको कोई नहीं है, उनको कोई लाभ फायदे नहीं मिल रहे, तो इनको इकट्ठा करना, उनके लिए कानून बनाना, यही हमारे लिए अभी बड़ी चैलेंज है। हम ये चाहते हैं कि अगर इन लोगों के लिए त्रिपक्षीय बोर्ड बने,
और उस त्रिपक्षीय बोर्ड में सरकार, संगठन और हम लोग गिग वर्कर, हम लोग भी उसमें शामिल हों। हमें ESIC PF मिले, हमारे शिकायत निवारण के लिए एक बोर्ड अलग से बने कि कल को हमें किसी से शिकायत करनी है तो हम कहाँ करें। हमें पता है सरकार के लिमिटेशंस क्या है, किसी भी सरकार की, मैं किसी सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस की सरकार है या फिर वो BJP की सरकार है या DMK की सरकार है। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि हम जिसके खिलाफ, हम किसी खिलाफ किसी के नहीं है, जो कंपनीज हैं, जो गिग वर्कर्स, जो गिग कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, दे आर डेफिनेटली क्रिएटिंग अ जॉब्स, दे आर डेफिनेटली क्रिएट, वो सही में रोजगार पैदा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो रोजगार जीने लायक नहीं है। वो रोजगार इतना प्रिकैरियस है, वो रोजगार इतना शोषित है, शोषणकारी है, उसके बारे में कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। तो राजस्थान का जो कानून है उसको ऐसा समझना पड़ेगा हमें कि वो सिर्फ सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करता है, लेकिन जो गिग वर्कर्स का जो अगर आप डिमांड, अगर आप सुनेंगे और उनकी लड़ाई पढ़ेंगे अगर आप, तो उनकी मुख्य जो डिमांड है वह एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस के बारे में, कि आप हमारी ID ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, आप हमारी जो है एक आर्बिट्रली रेटिंग्स नहीं दे सकते हैं, आप हमको ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको जितने भी जॉब्स अलॉट होते हैं आपको 80% जॉब्स लेने ही हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हो, आपको एक्सीडेंट हो गया है, कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक घंटे का स्लॉट होगा, एक घंटे की स्लॉट होगा, उसमें ये लोग इंसेंटिव डालते हैं कि 5 ऑर्डर पूरा करने पर आपको 200 रुपये दिए जाएंगे या 100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जब 35 एक ऑर्डर बुक करने में 35 मिनट लग रहे हैं तो एक घंटे में 5 ऑर्डर बुक नहीं हो पाएगा, पूरा कर ही नहीं सकते, हम कंप्लीट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो समस्या होती है हमारे जो डिलीवरी पार्ट में जो वर्कर होते हैं या फिर हमारे ड्राइवर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ID ब्लॉकिंग की। कंपनियां अपनी मनमाने तरीके से कस्टमर के बिहेवियर से, कस्टमर से बात सुन के और उनकी जो ID को ब्लॉक कर देती है, और ड्राइवर से या डिलीवरी पर्सन से कभी किसी तरीके से कोई सवाल जवाब नहीं करती है और उनकी ID को ब्लॉक कर देती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, अगर ID ब्लॉक हो भी जाती है, अगर ड्राइवर किसी भी तरीके से या डिलीवरी बॉय जो है अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहता है अगर कंपनियों से, तो वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाते हैं कंपनियों से, और उसके लिए कंपनियों को भी राजस्थान के अंदर या अपने ऑफिस जयपुर के अंदर अपने ऑफिस वगैरह सब कुछ होना चाहिए ताकि वो उनकी बात सुन सके और समझ सके सारी चीज़ें उनकी। ये जो कानून बना है, पहली बात तो ये कि लगभग 150 देशों में गिग वर्कर काम करते हैं, 150 देशों में, और राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जिसने गिग वर्कर्स के लिए ऐसा एक कानून असेंबली से पास कर दिया है और वो जल्दी ही लागू होने वाला है। और इसके साथ ही एक त्रिपक्षीय बोर्ड बनने वाला है, एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा गिग वर्कर के लिए, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधि भी होंगे और वर्कर्स के प्रतिनिधि भी होंगे, और ये तीनों मिलकर वर्कर्स के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं, स्कीमें और नियम लागू करेंगे, जिससे ESI जैसी ESIC जो होती है और PF है या पेंशन जैसी सुविधाएं वर्कर्स को निकल के आए। आज हम ये उम्मीद लेके आए जो दिल्ली गवर्नमेंट, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, है ना, और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इस मतलब फील्ड में, ई कॉमर्स में दिल्ली में कोई कानून लेके आए, क्योंकि आज के टाइम में लड़कों से लड़कियां ज़्यादा होंगी दिल्ली में काम करने वाली ई कॉमर्स में, तो इस चीज़ में लीगली कानून आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के साथ शोषण भी बहुत होता है। मतलब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें प्रॉपरली गाइडलाइन नहीं होती है कि उस घर के, आपके पास कोई प्रॉपर अर्बन कंपनी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करती है कि हाँ वो परमानेंटली वो सही है या नहीं है, उनका ना पैन कार्ड ना आधार कार्ड कुछ भी नहीं कर। देखिए, पूरे देश में 15 मिलियन के लगभग अभी गिग वर्कर और ऐप बेस्ड वर्कर काम कर रहे हैं, और ये तमाम जो वर्कर हैं वो ऑलरेडी पहले से ही कामगार की श्रेणी में है। जैसे कि कोई निर्माण मजदूर है जो कि निर्माण कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है ऑलरेडी, अगर कोई जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, अब इनको एक ऐप के अंदर काम दिया जा रहा है, ऐप के मार्फत काम दिया जा रहा है, तो अभी हो गए ऐप बेस्ड वर्कर। अब ऐप बेस्ड वर्कर बन गए तो अभी इनकी विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सरकार इनको जो है कामगार नहीं कह रही, इनको बोल रही है पार्टनर है कंपनी को, और बड़ी बड़ी कंपनियाँ ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, हजारों करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर चल रहा है, पर ये वर्कर को पार्टनर बोलकर उनके साथ धोखा कर रहे हैं। प्रदेश के भी जो भी गिग वर्कर हैं
उनसे भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि राजस्थान के जितने भी गिग वर्कर हैं अपने अधिकारों के प्रति अब जागरूक हो, सरकार तक ये बात गई है और सरकार ने पहल की है, तो आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। हम गिग वर्कर के लिए कहीं पर भी कोई प्रावधान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हमने तो बिरादरी के बाहर कर रखा है, कोई पूछता नहीं है, सब लोग इतना अभद्र भाषा हम लोगों के साथ यूज करते हैं, चाहे वो ओला उबर के बंदे हों, चाहे अमेजोन के हों, चाहे फ्लिपकार्ट हो, मंत्रा हो, तमाम तरीके की ऐप हैं, आप बताइए कहाँ उनको इज्जत मिलती है, बोलते हैं इधर हट, ए जोमेटो वाले इधर आ, इस तरीके से नाम से बुलाया जाता है। तो देखिए हम भी वर्कर हैं, हमें भी नाम से बुलाया जाए, हमारा भी एक नाम है।